कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा ब्लॉग्स। और अभी मैं रेडी हो गई हूँ और अभी इसके जस्ट पहले मैंने अपना एक ब्लॉग फिनिश किया है। उसमें मैंने बताया है कि क्यों क्या ये सब हो रहा है। तो मैंने बताया है कि रुद्राभिषेक पूजा मेरे घर में हो रही है, तो इसी के लिए मुझे सारी ये जो इतना सब कुछ साफ़ सफाई वगैरह किया है तो इसी के लिए मैंने किया। तो अभी मेरे पास ज़्यादा बातें करने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। तो अभी मुझे जाना है बच्चों के कपड़े लेने के लिए, अपना और हस्बैंड का। तो हस्बैंड ले लेंगे, बच्चों का मैंने नहीं लिया है, अपना ले लिया है। तो अभी जा रहे हैं बच्चों का लेने के लिए और आरवी जाएगी मेरे साथ। और अभी आ रहा है हस्बैंड का कॉल, तो कॉल अटेंड करती हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर से। ड्रेस निकालिए, इंडो वेस्टर्न में निकालिए। छोड़ो ना, छोड़ो ना। बिच्छू बिच्छू से तो तुमको डर लगता है ना? बिच्छू नहीं, बिच्छू है। अच्छा, हम लोग रेडी हो चुके हैं तो हम लोग निकल रहे हैं। बहुत दूर दूर से आते हैं, कल कल जो सब लोगों का पहुँचने का पहुँचा पूरा कर रहे हैं, होटल होटल विराटनगर विराटनगर से आए थे। सो गाइस, आरबी को खुले वाले में प्रॉब्लम हो रही थी तो पूजा पे बैठना था, तो इसलिए मैंने भी अपने बालों को में बन बना लिया था क्लेचर लगा के, और आरबी को भी क्लेचर लगा दिया है बालों को इस तरीके से बन बना के। सो गाइस, पूजा करके हम लोग अभी जस्ट आए हैं और अभी ये साथ में दिख रहा होगा, तो पंडित जी ने हमें आ रही जब पूजा करवाई तो ऐसे हमारा गठबंधन भी किया है, तो इसलिए अभी ये साथ में ही है। तो पूजा जो है वो हमारी अच्छे से कंप्लीट हो गई है, और ये जो पूजा वाला ड्रेस अभी सब लोग चेंज करेंगे, तो सब लोगों ने नीले कपड़े पहने थे। और पूजा करते टाइम पर मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, क्योंकि फोकस पूजा पे मतलब पूजा करने पे ज़्यादा ध्यान था, और गर्मी एकदम हालत ख़राब हो गया, तो पूजा पे हम लोगों को ध्यान देना था, तो इसलिए बीच में मैंने कुछ भी फ़ोन उठाया ही नहीं, क्योंकि पूजा कर रहे हैं तो पहले पूजा ज़रूरी था।
और शायद मैं आगे भी पूजा का जो ज़्यादा क्लिप्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, तो और कोशिश करूँगी जितना हो पाएगा उतना करूँगी, लेकिन ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करूँगी। और ये कुर्ती मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाई है, कुर्ती प्लाजो विद दुपट्टा का सेट है, शिफॉन का दुपट्टा है और फैब्रिक इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कंफर्टेबल है, गर्मियों में बहुत ही अच्छा है और फेस्टिवल वगैरह में भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगी इसका सब कुछ। और इसका जो प्राइस है वो ओनली 900 रुपीज़ है। बहुत ही अच्छा सा कुर्ती है, पानी देते हैं रुको। सो मिलती हूँ थोड़ी देर से, इसको चेंज करना क्योंकि इस कपड़े को जूठा नहीं करना है, सिर्फ इस पे प्रसाद खाया था, उसके बाद जब नेक्स्ट बार हम लोग पूजा करने जाएंगे तो सिर्फ यही फिर यही वाला जो कपड़ा है वही पहन के जाएंगे सब लोग। और सब लोगों ने नए नए पहने ईशू का, इस बार मैंने पैंट लिया है, जीन्स नहीं लिया, मतलब कि स्ट्रेचेबल वाला जो पैंट होता है वो वाला मैंने लिया है क्योंकि जीन्स इसके पास बहुत सारे हैं। और ये इस टाइप का जो शर्ट होता है, छोटा सा कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता टाइप का, वो मैंने लिया है, तो लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है इसके साथ। और आरवी का ड्रेस तो आप लोगों ने देखा ही है, तो बस यही सब है। तो अभी जो मेरे यहाँ खाना बनने वाला है वो जैसे दुर्गा पूजा में खाना बनता है जो लोग फास्ट में रहते हैं वैसा ही खाना बनेगा, कोई लहसुन प्याज नहीं, लाल मिर्च नहीं, टमाटर नहीं, और जो अरमाइन खाना बोलते हैं हमारे यहाँ वही बनेगा। सो गाइस, ड्रेस हो गया है चेंज और अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। यहाँ पे चाहिए, वाह यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी आ रही है, अब जा रही ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। पीछे सारा सामान आके रखा गया है, खाती हूँ तो जो हम लोगों को खाना पीना है वो सारा सामान यहाँ पे है, तो अब मैं फटाफट से बनाती हूँ क्योंकि जाने से पहले ही मैंने भिंडी कट कर लिए थे क्योंकि हम लोगों को 7 बजे ही निकलना था। फिर पंडित जी ने बोला कि 8:20 पे मुहूर्त है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने भिंडी तब तक कट कर लिया और छोटे मोटे जो काम थे घर के वो मैंने निपटा लिए थे। रात के 9 बजने वाले हैं, 8:30 से ज़्यादा हो गए, 9 बजने ही वाले हैं, तो अभी डिनर का टाइम हो गया है और आप लोगों से बात किया, ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद सो गई थी, सो के 3 बजे के करीब उठी और नींद नहीं खुल रही थी कल क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गया था, तो फिर सो के उठी, फिर लंच बनाया, उसके बाद बिल्कुल भी फ़ोन उठाने का ना ही टाइम मिला ना ही मन किया, उसके बाद घर के छोटे मोटे काम, थोड़ा सा रिलैक्सिंग वो वाला मोमेंट जो था वो एंजॉय कर रही थी। और अभी मैं 2-3 वीडियो देख चुकी हूँ, मेरा बड़ा ही मन कर रहा था आमरस खाने का, तो क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है, कभी ऐसे तो आमरस और पूरी नहीं खाई है, तो इस बार सोचा मौका भी है, दस्तूर भी है, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल सिर्फ सिंपल सात्विक खाना खाना है जो कि सेंधा नमक में बनेगा, तो आमरस से अच्छा और पूरी से अच्छा क्या हो सकता है, एकदम बिल्कुल सात्विक सा। मैंने सोचा कि चलो एक टेस्टी सा और डिलीशियस सा रेसिपी ट्राई करते हैं और देखते हैं कि जो लोग इतनी तारीफ़ करते हैं क्या ये डिश उस तारीफ के लायक है या नहीं है, एंड आई एम श्योर अच्छा ही होगा क्योंकि आम तो हम वैसे भी खाते हैं और आजकल आम का सीजन है, तो मैं आज बनाने वाली हूँ आमरस और पूरी, तो चलिए इंजॉय करते हैं अपनी रेसिपी।
आप लोगों ने देखा होगा मुझे आम का पल्प निकालते हुए, तो यहाँ पे मैंने मैंगो पल्प ले लिए हैं सारे। इसको मैं छोड़ूंगी हैंड ब्लेंडर, क्योंकि मिक्सी में मैं नहीं डालूँ, क्योंकि मिक्सर में लहसुन वगैरह भी पीसते हैं तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट लगेंगे। तो जिसमें कि चीनी है, जो कि क्योंकि मेरा जो आम है वो पेड़ का पका हुआ आम है और बहुत ही ज़्यादा मीठा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही चीनी डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसमें जाएगा दूध। तो बस स्टार्ट करते हैं बनाना। ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि हमारा जो आम है वो बहुत ज़्यादा मीठा है, मुझे एक्चुअली इतना भी रिक्स लग रहा है डालना। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध, जो मैंने रेसिपी देखी है उसमें कुछ इसी तरीके का था, और दो तीन रेसिपी मैंने देखी है दोनों था। Do you want to know? It's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? कैसा लग रहा? इंडिया की मुश्किलें बढ़ती हैं। पिछले दो मैच लगातार हारने के बाद आपको आगे का रास्ता काफी मुश्किल हो रहा है। So guys, आज मैं आप लोगों से दो तीन दिन बाद बात कर रही हूँ, क्योंकि पहला पूजा जिस दिन हुआ था उसी दिन आप लोगों से बात किया था, और आज फिर थोड़ी सी रेडी हूँ क्योंकि आज फिर गई थी पूजा के लिए, पंडित जी ने बुलाया था, तो आज का कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि आज अभिषेक होना था तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो आज बच्चों को भी लेकर नहीं गई हूँ, बच्चों को स्कूल भेज दिया। पंडित जी से पूछा तो पंडित जी ने बोला कि आप लोग ही कर लो, बच्चों को रहने दो, आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं है। तो फिर क्योंकि बच्चों को हर रोज़ स्कूल तो बंद नहीं करवा सकते, तो इसलिए तो बच्चे चले गए हैं स्कूल और हम लोग अभी पूजा करके आए। तो फिर बोले कि आते टाइम के नारियल पानी ले लेते हैं, तो नारियल पानी पी लेंगे। तो बस अभी वही फिनिश कर रही थी, उसके बाद अभी बनाऊँगी साबूदाने का खिचड़ी। तो वैसे एक दिन और भी मैंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई थी, उसकी रेसिपी ऑलरेडी शूट कर लिया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी दूसरे ब्लॉग में। और फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका होगा, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।